खुश नहीं हूं मैं, बहुत डरी हुई हूं। पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। कहीं रणवीर अपनी जिंदगी ना बिगाड़ बैठे। और रही बात आपके गुड्डू की खुश होने की, तो पता तो चले कि वो इस वक्त है कहां, किस हाल में। चाहे जी इसी बहाने वो आ जाए ये देखने के लिए कि उनकी बच्ची कैसी है, किस हाल में, जिस पुत्र को अपने घर का मर्द बनाकर गए थे वो कैसा है, उसकी छोटी छोटी मूछें बड़ी है कि नहीं, यही देखने आ जाए। इसी बहाने आ जाए वो जय जी। पर जय जी इंतजार ते मैनू भी है संपूर्ण दे वापस आने का। वो जब वापस आएगा तो मैं भी पूछूंगा उससे कि हम सबको इतनी बड़ी मुसीबत में डालकर कहां जाकर छुप गया था बुजदिलों की था। पर जय जी उसका जवाब तो तब मिलेगा जब वो वापस आएगा। पर तुसी आज की कितना, सारी पंचायत कह रही थी ना वो संभाल लेते सब कुछ, पूरा पिंड मिलकर रणवीर का ध्यान रखने के लिए तैयार था, आपने फिर भी इतना बड़ा फैसला ले लिया, उस पाप की निशानी को इस घर में रखने का फैसला। और जय जी अगर संपूर्ण ये फैसला लेता तो बात समझ में आती, पर आपने उस बच्ची को इस घर में रखकर आपने तो हम सबके जख्म खोल दिए दर्द पड़ने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। आपने एक बार नहीं सोचा पर जय जी वो आपके घर में रहेगी तो रोज आपको संपूर्ण की गलती का एहसास होगा। जब जब मैं इस घर में आऊंगा उस लड़की को देखूंगा तो मुझे भी वो बात चुभेगी। क्यों लिया फैसला इतना बड़ा पर जय जी, कैसे ले लिया आपने? एक मिनट यही रुकना, रुकना जाना नहीं। इसे पड़ी है आपके दोस्त ने लिखी थी मेरे नाम जाने से पहले। कैसे कर गया संपूर्ण इतना वड्डा पाप? वो औरत बार बार मेरा नाम ले रही थी उसके सामने पर फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो जब उसको अपनी दोस्ती अपने ईमान की कसौटी पर खरा उतरना था कमजोर पड़ गया। पर जय जी उसकी एक कमजोरी की वजह से ना हमारे जिंदगी भर के रिश्ते कमजोर हो गए। आप भी अपने दोस्त को पहचानने की वही गलती कर रहे हैं जो गलती मैं कर बैठी। वो गलती जिसके बाद मुझे पछताने तक का मौका नहीं मिला। जिन रिश्तों को गवा कर अकेले पड़ गए थे वो टूट गए थे, उन्हीं रिश्तों को एक बार फिर उनके साथ खड़ा करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आपके दोस्त की वापस आने की उम्मीद बहुत कम है, पर मैं कोई बात नहीं छोड़ना चाहती जिसके वजह से वो वापस ही ना आए। माफ कर दो उनको, अपने दिल की ये नफरत निकाल दो, वापस वो बचपन का दोस्तों वाला प्यार, भाइयों वाला प्यार अपने दिल में जगा दो। कौन जाने पत्नी और बच्चों के प्यार के साथ साथ आपका भाइयों वाला प्यार भी उन्हें खींच ला।
बहुत वड्डा दिल है तुम्हारा अजय जी, बहुत वड्डा। अपने पुत्र के खातिर आपने अपनी पति की इतनी बड़ी गलती को माफ कर दिया, मैं नहीं कर सकता। मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। मैं इतना जानता हूं कि एक दोस्त होने के साथ साथ मैं एक बेटा भी हूं, एक ऐसा बेटा जिसने अपने एक दोस्त की बुजदिली और उस कमीनी औरत की वजह से अपनी मां को खोया है। मैं ये नहीं भूल सकता।